परवल के सीजन में परवल की तो हम वैरायटी वैरायटी रेसिपीज बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुरकुरे परवल की रेसिपी, जिसे आप एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं या फिर एज ए साइड डिश दाल चावल के साथ या फिर पानी भात के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की क्रिस्पी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि देशवाल, इसका नाम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुरकुरे परवल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम परवल। ये सारी परवल की मैंने दोनों एंड्स पार्ट को कट कर इसकी जो पतला सा छिलका होती है इसे निकाल के वॉश कर ली है। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में हम इसे कट करेंगे, ये देखिए। तो अब चलिए परवल को डालते हैं एक बड़ा सा बाउल में। देन इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक। पहले इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन, देन इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसे मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही नमक डाला था, तो उसमें से जो पानी निकलेगा ना उसी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना परवल के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएगी। ये हमने परवल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ये देखिए ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके केयरफुली परवल को डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रख के हम इसे फ्राई करेंगे। परवल को ऑयल में डालते ही हम इसे नहीं चलाएंगे, इसे हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब झाग थोड़ा सा कम हो जाए देन हम इसे हल्के हाथों में पलटेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो मसालों का कोटिंग है ना परवल में से वो निकल जाएगा। परवल की बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपलोड की है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए, वहाँ पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम परवल को यहाँ पे कुरकुरे होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे परवल जो है ना एकदम कुरकुरा सा फ्राई हो चुका है। चलिए इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी रेसिपी बहुत पसंद आती है। आप इस तरीके से परवल को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।